कथा कब सुननी चाहिए? ध्यान दीजिए, जब शंका आए, भ्रम, भय, अवसाद, उन्माद, अज्ञान, अभाव और किसी प्रकार का दुख या दरिद्रता या अल्पता आए, तब कथा सुनिए, ये सब व्यथाएं चली जाएंगी। कोई एक शंका, कोई एक भ्रम, तनिक सा संशय जीवन के रस को छिन्न भिन्न कर देता है। और जब ब्रह्मा में कई एक कोई संशय पैदा हुआ कि मैं ही हूं क्या सब कुछ, और ये बड़ा अनर्थ करता है ये संशय कि मैं श्रेष्ठ हूं, जयी हूं, पराक्रमी हूं, पुरुषार्थी हूं, सुंदर हूं, गुणी हूं, मैं थोड़ा भिन्न हूं, सबसे अलग हूं, मैं थोड़ा और अच्छा हूं सबसे, रूप में, सौंदर्य में, सद्गुणों में, चातुर्य में, विद्या में, मुझ में थोड़ी भिन्नता तो है। ऐसे जब ब्रह्मा को लगा कि मैं ही हूं स्वयंभू, मुझसे ही रचना है, मुझसे ही सृजन है, जैवोत्पत्ति मुझसे ही है, तब भगवान प्रकट हुए और उनकी उस भ्रम और भय का निवारण किया, क्योंकि ऐसा सोचकर उनमें एक कुट्ठा पैदा हो गई। जब आप अपने को अच्छा मानने लगते हैं तो आपको यह भी रहता है कि कोई उसका बखान भी करे, कोई उसकी प्रशंसा भी करे, कोई उसकी व्याख्या करे, आपकी श्रेष्ठता का कोई वर्णन करे। संपदा किसी ने देखी नहीं, आपके पास में जो कुछ विलक्षण है, वैसा जो भिन्न है दूसरों से, उसका किसी को बोध नहीं है, तो ये भी एक व्याकुलता का विषय तो है कि किसी दूसरे को नहीं पता कि हम इतने कुछ हैं, तो कुंठा पैदा होती है कि कोई आए बताए, अरे आप थोड़े अच्छे हैं, आप तो अच्छे लग रहे हैं, आप तो बड़े महान हैं, बड़े सुजान हैं, गुणी हैं। ब्रह्मा में ये बात पैदा हुई, कुंठा, और भगवान प्रकट हुए।